ये आँख अपनी खोल रियाजुल उलूम है, शीरी जबान बोल रियाजुल उलूम है, जारी है हजारी है इसके हजरत। हम जैसे गुलामों को बस इतना ही बहुत है, हम हश्र में सरकार का दीदार करेंगे। आपके जिला का वो नाम जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भी आपके जिला का परचम बुलंद किया है, लखनऊ की अदबी सरजमीन पर भी, और जिन्होंने दक्कन की तारीख क्या है आप अकाबिर से पूछिए, हैदराबाद की तारीख क्या है उर्दू के नशो नुमाइश में, दक्कन की बड़ी तारीख है। हैदराबाद जैसी जगह पर जाकर जिन्होंने आपके जिले का परचम बुलंद किया है शेर व अदब के हवाले से, वो खूबसूरत नाम है कारी कैसर अली राणा साहब का। मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके हवाले कारी कैसर अली राणा साहब को करना चाहता हूं, इन चार मिसरों के साथ के याद नबी में आंखों को नम कर रहा हूं मैं, याद नबी में आंखों को नम कर रहा हूं मैं, पढ़कर दुरूद सीने पे दम कर रहा हूं मैं, सुभान अल्लाह सुभान, याद नबी में आंखों को नम कर रहा हूं मैं, पढ़कर दुरूद सीने पे दम कर रहा हूं मैं, और कागज पे लिख के रखूंगा महफूज कब तलक, एक नात अपने दिल पे रकम कर रहा हूं मैं, एक नात अपने दिल पे रकम कर रहा हूं मैं। कारी कैसर अली राणा साहब आपके खूबसूरत समातों के हवाले, आप हजरत खूबसूरती के साथ समात करें। चलिए माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों के दरमियान हजरत मौलाना मुर्शिद साहब कासमी मुदर्रिस जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कल को हम लोगों के बीच तशरीफ लाए, और साथ ही साथ हम लोगों के एक अजीम रहनुमा, एक बेहतरीन सियासतदान, बेहतरीन कायद हजरत मौलाना नियमतुल्ला साहब कासमी बानी व मुहतमिम जामिया तहफिजुल कुरान छठी पलार भी तशरीफ लाए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और हम नौजवानों के लिए एक आइडियल, एक नमूना के तौर पर जनाब हाफिज नसीम इकबाल साहब मिथिला हॉस्पिटल, जो माशाल्लाह बेहतरीन खिदमत कर रहे हैं, बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनका माशाल्लाह तआवुन भी जगह जगह पर रहता है, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए, और हम लोगों के सरपरस्त माशाल्लाह बेहतरीन आलिम दीन बासलाहियत आदमी हजरत मौलाना इस्लामुद्दीन साहब कासमी भी तशरीफ फरमाए हैं, आप जिनके खिताब नायाब से मुस्तफिज हो रहे थे, और आपके बेहतरीन शायर जनाब काई लुकमान दानिश साहब, और बेहतरीन नाजिम आपके जनाब हाफिज रहमतुल्ला साहब, और अभी जो आपके दरमियान निजाम फरमा रहे थे जनाब हाफिज असलम परवाना साहब, और जिला सुपौल के बेहतरीन मुकर्रर, जिला सुपौल की आवाज दूर दूर तक पहुंचाने वाले हजरत मौआ रमजान साहब कासमी सदर जमीयत उलमा सुपौल, सभी तशरीफ फरमाए, सभी से तवज्जो चाहते हुए यहाँ से मैं नाते पाक का मतला हाजिर कर रहा हूँ। उससे कबल सभी हजरात एक बार आवाज बुलंद दौद पाक का नजराना पेश करें, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार सभी हजरात, अल्लाह ने जिनके हाथों को ठीक कर रखा है, दोनों को हाथों को उठाकर बावाज बुलंद, जितनी ताकत है आवाज पूरी आवाज से बोलना, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह, ये आपकी खुशनसीबी है, आप जिनकी उम्मत में हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात को आप बहुत करीब से सुन रहे हैं, अब जो दूर से सुन रहे हैं, अब ये मैं नहीं कहूंगा कि वो खुशनसीब हैं या बदनसीब हैं, अगर उनके अंदर शौर है, बाशौर हैं और अकलमंदी है, तो उनसे गुजारिश नहीं करूंगा मैं कि वो आप अपने आप ही पिंडाल के अंदर आप तशरीफ लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए मैं मतला हाजिर कर रहा हूँ नाते पाक का। हजरत मौआ इस्लामुद्दीन साहब कासमी चले गए होते, लेकिन जब आए तो मुझे बोले कैसर तुम नात पढ़ो, मैं सुन के जाऊंगा, तो हजरत से तवज्जो चाहते हुए मुशायरा मीडिया जो मुंबई और लखनऊ दोनों से तशरीफ फरमा है, ये नया मतला आपके चैनल के लिए पढ़ रहा हूँ, हाजिर कर रहा हूँ फिर से पूरा मजमा, सुभान अल्लाह के सरवर दो आलम का, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, के सरवर दो आलम का
सरवर दो आलम का चेहरा खूबसूरत है, सरवर दो आलम का, सरवर दो आलम का चेहरा चेहरा खूब सूरत है, सरवर दो आलम का, सरवर दो आलम का चेहरा खूब सूरत है, सरवर दो आलम का चेहरा खूबसूरत है, सरवर दो आलम का। नाते पाक का मतला, नाते पाक का मतला है कितना खूबसूरत है, नाते पाक का मतला कितना खूबसूरत है, सरवर दो आलम का, सरवर दो आलम का चेहरा खूबसूरत है, चेहरा खूबसूरत है के नाते पाक का मतला, मतला नाते पाक का मतला है कितना खूबसूरत है, नाते पाक का मतला। माशाल्लाह हम लोगों के दरमियान एक बेहतरीन आलिम दीन, बेहतरीन कायद और बहुत सारे लोग स्टेज पर बैठे हुए हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जो नीचे में रहते हैं, जो पलड़ा भारी रहता है जब हम तोलते हैं तो वो नीचे हो जाता है, तो स्टेज टूटने का भी खतरा है। आप बिन कहे कुछ आदमी उतर के और आगे बैठ जाएं, बहुत अच्छा लगेगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बेहतरीन कायद, बेहतरीन सियासतदान जिन्होंने बहुत ही कम मुद्दत में सियासत में आला मकाम बनाया है, हजरत मौलाना नेमतुल्लाह साहब कासमी हम लोगों के दरमियान तशरीफ लाए। हजरत का हम लोग एक बार नारे से इस्तकबाल करते हैं, बेहतरीन जोरदार नारे से, नारे तकबीर, नारे तकबीर, हजरत मौलाना नेमतुल्लाह साहब कासमी जिंदाबाद, हजरत मौलाना नेमतुल्लाह साहब कासमी जिंदाबाद। चलिए माशाल्लाह फिर से मैं मतला हाजिर कर रहा हूँ, हजरत मौलाना मुर्शिद साहब कासमी जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई माशाल्लाह। चलिए माशाल्लाह हाजिर कर रहा हूँ बतौर खास। माशाल्लाह हम लोग को बड़ी खुशी होती है जब हजरत जैसे सीधे सपट लोग जब सियासत में आते हैं। आपको बता दें कभी भी हजरत सियासत यानी पॉलिटिक्स में नहीं रहते, लेकिन पहली मरतबा इलेक्शन लड़े, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मकाम पाए हजरत, हम लोगों को बहुत दिल से खुशी हुई। हम लोग बहुत दुआ करते हैं हजरत के लिए, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम लोगों को, हम लोगों के ऊपर हजरत का साया तादेर कायम दायम अता फरमाए, कह दीजिए आमीन। कि सरवर दो आलम का चेहरा खूब सूरत है, सरवर दो आलम का, सरवर दो आलम का चेहरा खूबसूरत है, चेहरा खूबसूरत है के नाते पाक का मतला, मतला नाते पाक का मतला है कितना खूबसूरत है।
नाते पाक का मतेला। और ये भी शेर बतौर खास हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त करें कि चांद तेरे चेहरे में, चांद तेरे चेहरे, दस्तकिया से काम नहीं चलेगा, नाम दीजिएगा तो सो का दीजिए कम से, चांद तेरे के, चांद तेरे चेहरे के है कहाँ चमक ऐसी, अल्लाह 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 क्या है, कहाँ चमक ऐसे चांद तेरे चेहरे के, चांद तेरे चेहरे के, चांद तेरे चेहरे के है कहाँ चमक ऐसे, है कहाँ चमक ऐसी, अरे जितना मेरे आका का, जितना मेरे आका का तलवा खूब सूरत है, जितना मेरे आका का, माशाल्लाह जनाब माहिर भारती साहब ने जो है 100 रुपए से नवाजा, अल्लाह कबूल फरमाए आमीन। के चांद तेरे चेहरे के है कहाँ चमक ऐसे, है कहाँ चमक ऐसे, है कहाँ चमक ऐसे, चांद तेरे चेहरे के, चांद तेरे चेहरे के, जितना मेरे आका का, जितना मेरे आका का तलवा खूब सूरत है, नाते पाक का मतला, माशाल्लाह खूबसूरत है। जनाबे माहिर भारती साहब के दामाद मोहतरम ने इनाम से नवाजा, अल्लाह कबूल फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन आप लोग कम से कम सुभान अल्लाह कह दिया कीजिए, आप लोगों को जरूरी नहीं इनाम देना, कि नाते पाक का मतला कितना खूब सूरत है, नाते पाक का मतला, बहुत और शम्स चांद तारों में, शम्स चांद तारों में रोशनी नहीं होती, रोशनी नहीं होती, शम्स चांद तारों में, शम्स चांद तारों में होती, रोशनी नहीं होती, अरे मुस्तफा 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 के सदके में दुनिया खूब सूरत है, मुस्तफा के सदके में, माशाल्लाह जनाब सुलेमान साहब तिलिया रहे डीएसपी टोला, उन्होंने जो है बहुत सारे इनाम से नवाजा, और हाफिज नसीम इकबाल साहब ने भी माशाल्लाह 500 रुपए नवाजते हुए ये फरमाइश की कि कौमी हिंदू मुस्लिम एकता पर चंद शेर सुनाने के लिए, इंशाल्लाह वो भी सुनाऊंगा, कहते एक बार पूरा मजमा लहक के सुभान अल्लाह, माशाल्लाह चचा ने तो इमामत कर दिया, आप सब इनकी इख्तिदा कर लीजिए, माशाल्लाह चचा की तरफ से समझिए कि तिलिया रहे की जानिब से जो इनाम आया, अल्लाह कबूल फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। मैं फिर से शेर हाजिर कर रहा हूँ, समाप्त करें कि शम्स चांद तारों में रोशनी नहीं होती, शम्स चांद तारों में रोशनी नहीं होती, रोशनी
मुस्तफा 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 के सदते में मुस्तफा के सदते में दुनिया खूब सूरत है मुस्तफा के सदते। माशाल्लाह जियाउल साहब बिशनपुर की तरफ से जो है 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए और आलिम साहब की तरफ से भी माशाल्लाह इनाम अल्लाह कबूल फरमाए आमीन सुम्मा आमीन और अनवर साहब की तरफ से 200 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। एक बार पूरा मजमा अल्लाह के कहते हैं सुभान अल्लाह के शम्स चांद तारों में रोशनी नहीं होती रोशनी नहीं होती शम्स चांद तारों में शम्स चांद तारों में अरे मुस्तफा के सदके में सदके में मुस्तफा के सदके में अजी दुनिया खूब सूरत है मुस्तफा के सदके में दुनिया दुनिया खूब सूरत है नाते पाक का मतला। और मक्ता मोहब्बत के साथ समाप्त कर ले बतौर खास। चलिए माशाल्लाह अब्दुल अजीज साहब की तरफ से नंबर वन पे 100 रुपए नंबर टू पे पता नहीं कौन सा नोट लेकर के आएंगे। हाजिर कर रहा हूँ मक्ता बतौर खास समाप्त करें कि सामईन कह उठे क्या बात है के सामईन कह उठे सुन के नात क्या बात है सुन के नात कैसर के सामईन कह उठे सामईन कह उठे अब्दुल बारी साहब बर्धा के तरफ से अब्दुल बारी साहब बर्धा से तशरीफ लाए उनकी तरफ से 100 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए कि सामईन कह उठे सुन के नात कैसे के सामईन कह उठे सामईन कह उठे सर किए सुन के नात सर के अरे नात खूबसूरत है नात खूबसूरत है अजल जा खूबसूरत है नात खूबसूरत है नात खूबसूरत है लहजा खूबसूरत है नाते पाक कामत ला। और हजरत मोहतरम वक्त कम है ये नसीम इकबाल साहब ने जो हुक्म दिया था हिंदू मुस्लिम एकता पर एक कलाम सुनाने के लिए मैं उन्हीं के हुक्म की तामिल करते हुए हालांकि ये चैनल वाले थे तो मैंने समझा था कि कुछ नए नाते पाक सुना दूं लेकिन हजरत वाला तशरीफ फरमा है वक्त की किल्लत है तो एक मतला तनशेर मैं कौमी एकता पर हाजिर कर रहा हूँ। एक बार पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कह दे सुभान अल्लाह के एक ही मालिक हमारा अल्लाह अल्लाह एक ही रहमान है के एक ही मालिक सोइएगा मत यहाँ पर बैठिए आप और
चलिए माशाल्लाह। ओ माशाल्लाह, जनाबे वाला की तरफ से गुमनाम तरीके से इनाम अल्लाह कबूल फरमाए कि एक ही मालिक हमारा, एक ही रहमान है, के एक ही मालिक है हमारा, एक ही रहमान है। अरे क्या है हिंदू क्या मुसलमान, हर कोई इंसान है, क्या है हिंदू क्या मुसलमान, हर कोई इंसान है, के एक ही मालिक है हमारा, एक ही रहमान है। अरे क्या है हिंदू क्या मुसलमान, हर कोई इंसान है। और ये भी शेर बतौर खास, मैक जो है जानलेवा है, इस मैक से बीड़ी बेचने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये मेरा कलेजा है कि मैं बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी में आकर बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी खिदमत कर रहा हूँ, तो आपकी भी जो है ये बनती है अफजाई सुभान अल्लाह कहकर करते रहे, एक बार पूरा बनो सुभान अल्लाह। के एक ही मालिक हमारा, एक ही रहमान है, और तुम करो कि तुम करो सबसे मोहब्बत अपना हो या गैर हो, कि तुम करो सबसे मोहब्बत अपना हो या गैर हो, कि तुम करो सबसे मोहब्बत अपना हो या गैर हो, कि तुम करो सबसे मोहब्बत अपना हो या गैर हो। मेरे सरकार दो आलम का यही फरमान है, मेरे सरकार दो आलम का यही फरमान है। और आखिर वो समाप्त करें कि मिलके रहते, के मिल के रहते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम हर कोई, मिल के रहते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम हर कोई, के मिल के रहते हैं हिंदू मुस्लिम हरे कोई, वो वतन मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वो वतन मेरा है जिसका नाम हिंदुस्तान है, एक ही मालिक हमारा, एक ही रहमान।